लखनऊ से संवाददाता अनुराग द्विवेदी की रिपोर्ट। ये भारत पार्टी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया था, किन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? हमने 2 सितंबर को राजनीतिक सुधार यात्रा शुरू की और तब से लेकर 500 से ज़्यादा गाँव में मैं जा चुका और उसके 100 दिन पूरे हुए। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मार्च में करना चाहता था, लेकिन अधिकांश गाँव में एक ही आवाज़ उठी कि साहब हमारी और समस्या बाद में दूर करिएगा, हमारी फसल को फसल नष्ट कर दे रहे हैं, इसको इमीडिएट कुछ करिए। पहले मैंने शुरू में वादा किया कि अप्रैल मई में मैं इसके लिए आंदोलन करूंगा, लेकिन जनता ने कहा कि नहीं साहब, ये रबी फसल भी नष्ट हो जाएगी। तो फिर हमने कल मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और कल ही डिसाइड किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं अपनी चेतावनी दे दूँ। आज जो 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारा पहला मुद्दा है राजनीतिक सुधार। दूसरा मुद्दा है राजनीतिक सुधार, यदि मेरे कहने से, मेरे समझाने से जनता 100% समझ रही है, लेकिन मेरे समझाने से यदि राजनीतिक अन्य पार्टियां और मीडिया नहीं समझती है, हमको अंडर एस्टिमेट करती है, तो मुझे सत्ता प्राप्त करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में हम पहले सोचे थे कि 2022 के फरवरी तक पूरे उत्तर प्रदेश में मैं घूम जाऊंगा, लेकिन गांव में जाने पर मुझे अंदाज लगा, जब हर गांव में पार्टी लाइन से ऊपर उठकर 100% समर्थन मिला, तो मुझे लगा कि मैं किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 250 गाँव हूँ, 10 गाँव के बाद मैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में चला जाऊँगा, तो जो 10 गांव हैं ये भी हमको वोट नहीं देंगे, कि 240 में तो उनको कोई जानता ही। तो मैंने अपनी यात्रा को 2024 तक बढ़ा दिया और अब हम केवल 6 जिलों में जा रहे हैं फरवरी तक। ये बात दूसरी है कि अगर मीडिया ने हमारी पॉजिटिविटी को वो किया होता तो बहुत जगह से हमारे पास ऑफर आते, लेकिन अगर कहीं से आएगा तो उनके कैंपेन में मैं जाऊँगा, हमारे अनुसार कैंडिडेट मिलेगा, नहीं तो मैं 6 जिलों में करीब करीब 40 सीटों पर चुनाव अच्छे प्रत्याशी खड़ा करूँगा। पूरे प्रदेश में जो है, अगर संगठन की बात की जाए तो आपका संगठन कहाँ कहाँ काम कर रहा है, कितने जिला अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारी आपने नियुक्त? हमारा संगठन 11 प्रांतों में कन्वीनर हमारे हैं। अब बात आती है संगठन कितने काम करे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 14-15 जिलों में हमारे संगठन बने हैं, लेकिन जो 6 जिले हैं ये इसमें गांव-गांव में बन रहे हैं, गांव स्तर से शुरू कर दिया है। इमरजेंसी में तो केवल लोकतंत्र की हत्या हुई थी, इसमें तो मर्यादाओं की भी हत्या हो रही है, नैतिकता की हत्या हो रही है, शिक्षा स्वास्थ्य को बेच डाला जा रहा है। ये तो जयप्रकाश नारायण तो बहुत छोटा काम किए थे, अब तो बहुत बड़े काम की जरूरत है। 6 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, मीडिया को बेकार कर दिया गया। आज मीडिया ठीक होती, मीडिया को इसने बेकार न किया होता तो मेरी ज़रूरत ही नहीं थी, मीडिया इनको ठीक कर देती। 6 साल हुआ, कहाँ गई प्रेस काउंसिल, कहाँ गए बड़े बड़े पेपर, क्यों नहीं नोटिस देते नरेंद्र मोदी को, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हमारा भी योगदान है, आप खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, नहीं कर रहे हैं। सरकार ने एक रिपोर्टर को कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आप बताइए, रिपोर्टर की आप जो चाहें लिखें और मैं कोर्ट में आपको घसीटता रहूँ, कुछ नहीं कर पाऊँगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद हमारे लड़कों को 40,000-50,000 कौन कहे, एक तो कार्ड दे के भेज दिया जाता है, ये क्या है? मीडिया की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मीडिया की जिम्मेदारी विधायक से कम नहीं है, ज़्यादा है, विधायक की सीमित जिम्मेदारी है, मीडिया की ज़्यादा है। एक मीडिया के मैन को, ठीक है बड़े पत्रकार को किसी विधायक से ज़्यादा सुविधा मिलनी चाहिए, छोटे पत्रकार को भी सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी सरकारी कर्मचारी जो मध्यम स्तर का है उससे ज़्यादा मिलनी चाहिए। आपकी तरफ अगर कुछ होता है तो पत्रकारों के लिए क्या? पत्रकारों में 3 स्तर हम बनाएंगे और सबसे निचले स्तर को भी इंस्पेक्टर रैंक से ज़्यादा सुविधा देंगे।